जिले की महती बिस्टान उद्वहन परियोजना का काम समय सीमा के बाद भी फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण योजना का लाभ मिलने की आस में कई किसानों ने गर्मी की फसलों की बुआई कर दी थी, जो पानी के अभाव में खराब होने की स्थिति में पहुंच गई है। सोमवार को ऐसी ही समस्या से जूझ रहे करीब 12 गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां नहर में पानी छोड़ने की मांग की। कृषक सुभाष कुशवाहा, संदीप यादव, संजू छिरवी, कृष्णलाल कुशवाहा आदि ने बताया कि वे राजपुरा, बड़गांव, नागझिरी, घुघरिया खेड़ी, जामली, महरजा आदि गांव से आए हैं। इन गांवों से बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना की नहर गुजर रही है। पिछले सालों में टेस्टिंग के दौरान गर्मी की फसलों की सिंचाई के लिए पानी मिला था। इस वर्ष भी NVDA विभाग ने आश्वासन दिया था कि वे 23 मई तक पानी छोड़ देंगे। इसी आश्वासन के भरोसे उन्होंने कपास, मक्का की बुआई कर दी। अब विभाग इस सीजन में पानी छोड़ने से इनकार कर रहा है। विभाग का कहना है कि रबी सीजन यानी नवंबर में पानी देंगे। किसानों ने मांग की है कि नहर में पानी छोड़ा जाए, जिससे सिंचाई के साथ ही पशुओं के लिए मंडरा रहा पेयजल संकट भी दूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। समस्या लेके आए हैं, किसानों ने खेतों में बीज बो दिए हैं और इन्होंने बोला था कि 1 तारीख को नहर चालू हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी भी ये बोल के गए थे कि 30 तारीख को जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी चालू हो जाएंगी, और आप ये बोल रहे हैं कि रबी की फसल के लिए हम पानी देंगे, अभी के लिए परमिशन नहीं है पानी की, और किसान अभी बहुत परेशान है। क्या समस्या आ रही है? अभी पानी नहीं मिलता, पानी है ही नहीं सिंचाई के लिए, और लोगों ने जैसे बीज बोए हैं कि 30 तारीख तक नहर चालू हो जाएगी, अगर नहर नहीं चालू हुई तो वो कोई काम की बात नहीं किसानों के। अब इसके लिए आगे क्या करेंगे आप, जैसी समस्या आ रही है? किसान धरना देंगे। हाँ, धरना देंगे ना, रोड के ऊपर धरना देंगे अगर नहीं चालू हुआ। क्या नाम है आपका? माधव यादव, उगरा के। उद्वहन नहर को चालू करवाने के लिए सब किसान आए, 10 गांव के किसान हैं इसमें, नागझिरी, बड़गांव, सुरमे खेड़ी, सोलना, मेरजा और खेड़ा, राजपुरा, जामली, कुटगोल, सब गांव के किसान आए हैं। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या ये, सरकार ने 374 करोड़ की योजना जो लगाई है उसका किसानों को फायदा पूरा मिल नहीं रहा है। अब अभी बोल रहे हैं ये कि हम ये रबी के सीजन के लिए केवल है, तो अभी किसान सब परेशान हो रहा है, सब खेतों में कपास लगा दिए हैं, फसल लगा दिए और पानी नहीं दे रहे हैं। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितने गांव के हैं? ये 10-12 गांव के। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि अभी किसानों को पानी दिया जाए, बारिश नहीं होती तब तक के लिए नहर चालू करके किसानों को पानी दिया जाए, क्योंकि इसमें अभी नदी नालों में, तालाबों में भी पानी नहीं है, मवेशी भी प्यासे मर रही है और किसानों को भी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? सुनील पटेल, बड़गांव। आज बिस्टान इरीगेशन के लोअर वन और लोअर टू के किसान एकत्रित हुए हैं। किसानों ने पानी बो दिए नहर के आने के इंतजार में, और इस नहर चालू नहीं की जा रही है। अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उनका कहना पड़ा कि हम नवंबर में नहर को चालू करेंगे, अभी आपको पानी नहीं दिया जाएगा, और लाखों किसानों का नुकसान होगा। गेहूँ, अपना चना, सॉरी कपास, मक्का बो दिया है, मवेशियों को पीने के लिए तकलीफ आ रही है, और इसलिए आज ये किसान आए हैं, और इस मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में किसान धरना प्रदर्शन भी करने को मजबूर होंगे। शिवराज चौहान ने भी घोषणा की थी कि चालू हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी खरगोन मेला ग्राउंड में जब आए थे उस समय किसानों ने अपनी बात रखी थी, जब उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी से जल्दी इसका कार्य पूर्ण किया जाएगा और चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल में वो जहाँ हम मांग कर रहे हैं वहाँ नहर तो चालू है, लेकिन अधिकारी और इनकी वजह से चालू नहीं हो पा रही है। विगत दो वर्षों से किसानों को पानी वहाँ दे रहे हैं, और इस साल भी किसानों की मांग है कि हमें पानी दिया जाए, और आने वाले समय में भी किसान ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में 15 मई से नहर को चालू कर दिया जाए, न कि नवम्बर में, ताकि गर्मी की फसल किसान ले सके। क्या नाम है आपका? लखन कुशवाहा। कहाँ? ग्राम बड़गांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।